ये झूठ नैरेटिव का परिणाम देखिए। इसी चुनाव में कांग्रेस ने देशवासियों को गुमराह किया, माताओं बहनों को हर महीने 8,500 रुपये देने का झूठ, इन माताओं के बहनों के दिलों को जो चोट लगी है ना, वो साफ बन करके ये कांग्रेस को तबाह करने वाली है। आदरणीय सभापति जी, ईवीएम को लेकर झूठ, संविधान को लेकर झूठ, आरक्षण को लेकर झूठ, उससे पहले राफेल को लेकर झूठ, एचएएल को लेकर के झूठ, एलआईसी को लेकर के झूठ, बैंकों को लेकर झूठ, कर्मचारियों को भी भड़काने के प्रयास हुए। हौसला तो इतना बढ़ गया कि कल सदन को भी गुमराह करने का प्रयास हुआ। कल अग्निवीर को लेकर सदन में झूठ बोला गया। कल यहां भरपूर असत्य बोला गया कि एमएसपी नहीं दिया जा रहा। अध्यक्ष जी, संविधान की गरिमा से खिलवाड़, ये सदन का दुर्भाग्य है। और अनेक बार लोकसभा में जीत करके आए लोग सदन की गरिमा के साथ खिलवाड़ करे, ये शोभा नहीं देता है। आदरणीय सभापति जी, जो दल 60-60 साल तक यहां बैठा है, जो सरकार के कामों को जानता है, जिसके पास अनुभवी नेताओं की श्रृंखला, वे जब अराजकता के इस रास्ते पर चले जाए, झूठ के रास्ते को चुन ले, तब देश गंभीर संकट की तरफ जा रहा है, इसका सबूत मिल रहा है। आदरणीय सभापति जी, सदन की गरिमा से खिलवाड़, ये हमारे संविधान निर्माताओं का अपमान है, इस देश के महापुरुषों का अपमान है, देश के लिए आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर सपूतों का अपमान है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं जानता हूं आप बहुत सरदई हैं, आप उदार मन के मालिक हैं, आप संकट के समय भी हल्की फुल्की मुट्ठी मुस्कान के साथ चीजों को झेल लेते हैं। लेकिन आदरणीय सभापति जी, अब जो हो रहा है, कल जो हुआ है, वो गंभीरता से लिए बिना संसदीय लोकतंत्र को हम रक्षित नहीं कर पाएंगे। आदरणीय सभापति जी, इन हरकतों को बालक बुद्धि कहकर के, बालक बुद्धि मान करके हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, कतई नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे इरादे नेक नहीं है, इरादे गंभीर खतरे के हैं। और मैं देशवासियों को भी जगाना चाहता हूं। आदरणीय सभापति जी, इन लोगों का झूठ हमारे देश के नागरिकों की विवेक बुद्धि पर आशंका व्यक्त करता है।
उनका झूठ देश के सामान्य विवेक बुद्धि पर एक तमाचा मारने की निर्लज्ज हरकत है। आदरणीय सभापति जी, ये हरकतें देश की महान परंपराओं पर तमाचा है। आदरणीय सभापति जी, इस सदन की गरिमा बचाने का बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। सदन में शुरू हुई झूठ की परंपरा पर कठोर कार्रवाई करेंगे, ये देशवासियों की भी और इस सदन की भी अपेक्षा है। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण पर भी हमेशा झूठ बोला। आज मैं 140 करोड़ देशवासियों के सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, बड़ी नम्रता पूर्वक रखना चाहता हूं। देशवासियों ने भी इस सत्य को जानना बहुत जरूरी है। आदरणीय सभापति जी, आपातकाल इमरजेंसी का 50वां वर्ष है। इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लोभ के खातिर तानाशाही मानसिकता के कारण देश पर थोपा गया तानाशाही शासन था। और कांग्रेस क्रूरता की सभी हदें पार कर चुकी है। उसने अपने ही देशवासियों पर क्रूरता का पंजा फैलाया था और देश के ताने बाने को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप किया था। आदरणीय सभापति जी, सरकारों को गिराना, मीडिया को दबाना, हर कारना में संविधान की भावना के खिलाफ, संविधान की धाराओं के खिलाफ, संविधान के एक एक शब्द के खिलाफ थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रारंभ से देश के दलितों के साथ, देश के पिछड़ों के साथ घोर अन्याय किया है। आदरणीय सभापति जी, और इसी कारण से बाबा साहब अंबेडकर ने कांग्रेस की दलित विरोधी, पिछड़े विरोधी मानसिकता के कारण नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा दिया था। उन्होंने पर्दाफाश किया था कि कैसे नेहरू जी ने दलितों, पिछड़ों के साथ अन्याय किया और बाबा साहब अंबेडकर ने कैबिनेट से इस्तीफा देते समय जो कारण बताए थे, वो कारण इनके चरित्र को दर्शाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, मैं सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों की उपेक्षा पर अपने अंदर उत्पन्न आक्रोश को रोक नहीं सका। ये बाबा साहब अंबेडकर के शब्द हैं।
अनुसूचित जातियों की उपेक्षा, इसने बाबा साहब अंबेडकर को आक्रोशित कर दिया। बाबा साहब के सीधे हमले के बाद नेहरू जी ने बाबा साहब अंबेडकर का राजनीतिक जीवन खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। आदरणीय सभापति जी, पहले षड्यंत्र पूर्वक बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में हरवाया गया। आदरणीय सभापति जी, हराया इतना ही नहीं, उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के इस पराजय की उसका जश्न मनाया, खुशी मनाई और खुशी उन्होंने व्यक्त की। आदरणीय सभापति जी, एक पत्र में ये लिखित है, इस खुशी का आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब की तरह ही दलित नेता बाबू जगजीवन राम जी को भी उनका हक नहीं दिया गया। इमरजेंसी के बाद जगजीवन राम जी का पीएम बनने की संभावना थी, इंदिरा गांधी जी ने पक्का किया कि जगजीवन राम जी किसी भी हालत में पीएम न बने, और एक किताब में लिखा गया है कि किसी भी कीमत पर जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, अगर बन गए तो वो हटेंगे नहीं जिंदगी पर। ये इंदिरा जी गांधी का कोट उस किताब में है। कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी यही व्यवहार किया, उनको भी नहीं छोड़ा था। पिछड़ों के नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बिहार के सपूत सीताराम केसरी के साथ भी अपमानित व्यवहार करने का पाप इसी कांग्रेस ने किया। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी प्रारंभ से ही आरक्षण की गौर विरोधी रही है। नेहरू जी ने तो मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिख करके साफ साफ शब्दों में आरक्षण का विरोध किया था। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट ठंडे बक्से में सालों तक दबाए रखा था। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस पार्टी के तीसरे प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी, और जब विपक्ष में थे उनका सबसे लंबा भाषण आरक्षण के खिलाफ था, वो आज भी संसद के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। और इसलिए आदरणीय सभापति जी, मैं आज एक गंभीर विषय पर आपका और देशवासियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल जो हुआ, इस देश के कोटि कोटि देशवासी आने वाली सदियों तक माफ नहीं करेंगे। आदरणीय सभापति जी, 131 साल पहले, 131 ईयर पहले
स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था, मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से आता हूं जिसने पूरी दुनिया को सहिष्णुता और वैश्विक स्वीकृति सिखाई है। 131 साल पहले हिंदू धर्म के लिए विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में दुनिया के दिग्गजों के सामने कहा था। आदरणीय सभापति जी, हिंदू सहनशील है, हिंदू अपनत्व को लेकर के जीने वाला समूह है। इसी कारण भारत का लोकतंत्र, भारत की इतनी विविधताएं, उसका वैविध्य की विराटता आज उसी के कारण पनपी है और पनप रही है। आदरणीय सभापति जी, गंभीर बात है कि आज हिंदुओं पर झूठा आरोप लगाने की साजिश हो रही है, गंभीर षड्यंत्र हो रहा है। आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, ये कहां गया हिंदू हिंसक होते हैं? ये है आपके संस्कार, ये है आपका चरित्र, ये है आपकी सोच, ये है आपकी नफरत। इस देश के हिंदुओं के साथ ये करना में आदरणीय सभापति जी, ये देश शताब्दियों तक इसे भूलने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले हिंदुओं में जो शक्ति की कल्पना है उसके विनाश की घोषणा की गई थी,